Dear students, Vinay is here to welcome you in the third paper series for physical education. Two parts of this paper we have already completed. In first part, we have completed the question 4 to 10. In second part, we have completed from 11 to 20. And this is the third part in which we are going to complete the question from 21 up to 30. Okay. And the thing is that the level of complexity will increase after that. फर्स्ट से लेके हम चल रहे हैं और फर्स्ट में हमने क्वेश्चंस आपको दिए थे और एक्सप्लेनेशंस काफी दिए थे. अब धीमे धीमे हम एक्सप्लेनेशंस का एक्सप्लेनेटरी लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम थोड़ा कम करेंगे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएंगे. मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट अगर लगता है तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ. ठीक है, ये थर्ड क्लास है, चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. अच्छा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को शॉर्ट में AIFF भी लिखते हैं. तो इसमें पूछा गया है कि प्रेसिडेंट कौन है AIFF का. तो अभी करंट टाइम में AIFF के प्रेसिडेंट कौन है, ये हैं प्रफुल्ल पटेल. ठीक. अच्छा, काउंटर पार्ट अगर इसी में अगर देखा जाए क्रिकेट में, तो इनके काउंटर पार्ट क्रिकेट में कौन है, सौरभ गांगुली. क्योंकि इंडिया में क्रिकेट काफी फेमस है तो आपको उसको भी याद रखना है. द अपेक्स बॉडी ऑफ फुटबॉल इन द कंट्री, ये जो है AIFF जो है वो सबसे बड़ी बॉडी है इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की. और उसने अपना न्यू मोटो जारी किया. मोटो को अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आप मोटो जो है वो याद रखिए. ये रेड लेटर्स में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, फॉरवर्ड टुगेदर. अच्छा, थोड़ी सी बात और जान लेते हैं. इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 23rd of June 1937. ठीक. सुनील छेत्री का नाम जो है हम अच्छी तरह से, जो भी इंडियंस हैं वो फुटबॉल प्रेमी वो सब जानते ही हैं. इन्होंने 109 इंटरनेशनल कैप, 70 गोल, जो अभी लास्ट वाले दो गोल कजाकिस्तान के खिलाफ अभी इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2019 ओपनर में इन्होंने लगाए थे, उनको मिला के हो गया. ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिए. अच्छा, सबसे पुराने फुटबॉल क्लब की बात करी जाए तो कौन सा था, सादरा फुटबॉल. ठीक है. अच्छा, ट्रेडर्स क्लब और नवल वॉलेंटियर क्लब जो है वो 1989 में खोले गए थे, जो काफी ओल्डेस्ट वन थे. अच्छा, एक चीज और है इसमें, मोहन बगान एथलेटिक क्लब है, इसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, नीचे वाली लाइन में भी पता. तो जब ये फाउंड किया गया था उस टाइम पे इसका मोहन बगान स्पोर्टिंग क्लब इसका नाम था. मोहन बगान एथलेटिक क्लब इज द इंडियन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब बेस्ड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल इन इंडिया. फाउंडेड इन 1889, द क्लब वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द इंडिया एंड एशिया. The club is most notable for its victory over the East Yorkshire Regiment 1911 IFA Shield Final. तो ये काफी famous हुआ था और उसके बाद इसको काफी recognition मिली थी जब इन्होंने 1911 में IFA Shield का final East Yorkshire Regiment ने जीता था. ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, Who is the President of Indian Football Federation? प्रफुल्ल पटेल हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द मनी गिवन टू द विनर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न. अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न भी इसको बोल देते हैं कभी कभी शॉर्ट में, और इसका पूरा नाम जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है बोला जाता है इन स्पोर्ट्स एंड गेम. ठीक है. अच्छा, एक्चुअली था क्या कि पहले इंडियन गवर्नमेंट जो जितने भी खेल रत्न थे या स्पोर्ट्स अवार्ड थे उनको रीफ्रेम्ड किया है इन सेंस ऑफ कैश प्राइज. ठीक है, तो पहले इसमें कैश प्राइस काफी कम दिया जाता था, अब सभी का रीस्ट्रक्चर्ड के बाद सभी के कैश प्राइस जो चेंज हुए हैं, तो आप जैसे आपको समय मिलता है आप सबके कैश प्राइस देख लीजिए. वैसे मैंने आगे कुछ क्वेश्चंस में इनके एक्सप्लेनेशन में सबके कैश प्राइस दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी इनको याद रख सकते हैं. तो फिलहाल जो अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसके लिए कैश प्राइस कितना है, वो 25 लाख रुपए अभी दिए जाते हैं. अच्छा, इसमें अगर डॉलर में आपको पूछ ले तो वो भी आप याद रखिए, ये $35,000 के नियर अबाउंट जाएगा, क्योंकि डॉलर की जो प्राइस है वो हमेशा घटती बढ़ती रहती है. तो उसके जो मैंने आपको बताया है एक्चुअल मनी वो उसके अप्रोक्सीमेट है. ठीक है, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया है इन सेंस ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है, अगले देखते हैं इसको देता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स. ठीक है, और ये कौन से दिन दिए जाते हैं, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे इंडिया के, उनके बर्थडे वाले दिन इसको दिया जाता है. ठीक है, अगला देखते हैं कि अभी जो रिसेंट में 2020 में
ये अवार्ड किस किस को दिया गया है? रोहित शर्मा को दिया गया है, मरियप्पन थंगवेलु को दिया गया है, मनिका बत्रा को दिया गया है, विनेश फोगाट को और रानी रामपाल को। ठीक है, ये अवार्ड इतने लोगों को दिया गया है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको एक चीज बतानी है मुझे कि ये प्लेयर जो है वो किस किस खेल से रिलेटेड है। जब आप इनको लिख देंगे तो आपको कई सारी चीज यूं ही याद रहती है। ठीक है, अगला एक चीज और अच्छी तरह से जान लेते हैं। द फाउंडेशन ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज स्टार्टेड इन 1991 टू 1992, और सबसे पहले दो लोगों को ये दिया गया था, विश्वनाथन आनंद, दे वाज रिलेटेड टू द चेस, एंड दूसरे थे गीत सेट्टी जो बिलियार्ड से रिलेटेड है। इनका गेम क्या था? बिलियार्ड। तो ये आप याद रखिए, 1991-92 में दो लोगों को दिया गया था, विश्वनाथन आनंद और गीत सेट्टी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द अमेरिकाज हाइएस्ट एथलेटिक अवार्ड? अच्छा, अमेरिका का जो हाइएस्ट एथलेटिक का अवार्ड जो है वो क्या है? ए जेसी ओवेंस अवार्ड, मिचेल जॉनसन अवार्ड, कार्ल लुइस अवार्ड, और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, तो इसको मैं आपको बता दूं, इसके बारे में काफी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ है, वो भी हम देखेंगे। तो जेसी ओवेंस अवार्ड जो है वो सबसे फेमस और हाईएस्ट अवार्ड है एथलेटिक्स में अमेरिका। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों है कि ये जेसी ओवेंस जो है वो बहुत ही अच्छे ऊंचे दर्जे के लॉन्ग जंपर थे। ठीक है, इन अच्छा इनके बारे में एक चीज और बता दूं कि इनकी एक फेमस फ्रेंडशिप की कहानी है लुज लॉन्ग के साथ। लुज लॉन्ग क्या थे? लुज लॉन्ग वॉज ऑल्सो अ ग्रेट लॉन्ग जम्पर एट दैट टाइम। ही इज वॉज द काउंटर पार्ट ऑफ जेसी ओवेंस एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम जर्मनी। दैट टाइम द एम्परर ऑफ जर्मनी वॉज हिटलर। इन 1936 बर्लिन ओलंपिक बोथ द प्लेयर वर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द सेम इवेंट एंड बिफोर एट द प्रैक्टिस राउंड ही एंड द लुज लॉन्ग शो दैट द जेसी ओवेंस वॉज ट्राइंग टू गेट द जम्प बट ही वॉज डूइंग फाउल फॉर द ओवर स्टेपिंग अगेन एंड अगेन एंड लुज लॉन्ग केम टू हिम एंड जस्ट टोल्ड हिम दैट वाई आर यू डूइंग दिस मिस्टेक, जस्ट फोकस, ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन जस्ट बिहाइंड टू द टेकऑफ बोर्ड एंड ट्राई टू जम्प फ्रॉम देयर, यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। और उसके बाद जो जेसी ओवेंस थे उन्होंने पीछे एक लाइन खींची टेक बोर्ड से और वहां से जंप करना शुरू किया, और बात यह थी कि इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद काफी नाराज भी हुआ हिटलर इनसे। ठीक है, तो इनकी ये जो कहानी थी वो काफी फेमस हुई थी। ये कहानी मैंने इसलिए आपको सुनाई है ताकि आपको इसका आंसर जो है वो कभी आप भूले नहीं। तो जेसी ओवेंस अवार्ड जो है वो सबसे हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड है एथलेटिक्स में, किसमें? अमेरिका में। ठीक है, पहला अवार्ड ये किसको दिया गया था? 1981 में ये एडविन मोजेस को दिया गया था, और रिसेंटली ये डोनोवियन ब्रेजिल को 2019 में दिया गया है। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जेसी ओवेंस का एक काउंटर पार्ट अवार्ड जो है वो वीमेंस में दिया जाता है, जैकी जॉनर कैरिस अवार्ड फॉर फीमेल वर्जन है इसका। ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड में, अच्छा ट्रैक एंड फील्ड जो यूएस की जो फेडरेशन है उसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? USATF। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। ठीक, 1936 बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने 4 गोल्ड मेडल लिए थे, किसी के ऑनर में इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, फेमस स्टोरी मैंने आपकी जेसी ओवेंस और लुज लॉन्ग के बारे में बताई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन अवार्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, ये तो ओपन एंड शट केस जैसा क्वेश्चन है। 1961 में ये शुरुआत हुई थी इसकी, ये सब मेरे अंदाज से लगभग सब लोगों को मालूम है क्योंकि पिछली स्लाइड में भी मैंने इसको डिस्क्राइब किया था किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1961 इसका आंसर हो जाएगा। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। गिव स्पोर्ट्स ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिया जाता है किसके लिए? मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस बाय द प्लेयर थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, इसमें कैश प्राइस कितना मिलता है? पहले से अब इसकी न्यू राशि जो है वो 15 लाख रुपए कर दी गई है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि इसको पहले इसकी राशि जो थी पहले कितनी धनराशि अर्जुन अवार्ड के लिए दी जाती थी। ठीक है, अच्छा अर्जुन अवार्ड में सिर्फ ये धनराशि नहीं दी जाती है, इसके साथ भी कुछ दो तीन चीजें और दी जाती हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप वो भी मुझे बताएंगे कि जब अर्जुन अवार्ड दिया जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें और दी जाती हैं। ठीक है, अच्छा 2020 की बात करें तो टोटल 28 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। उनके नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। सावंत अजय को ये दिया गया इक्विस्टेरियन में, अदिति अशोक को गोल्फ में, राहुल अवारे को रेसलिंग में, मनु भास्कर शूटिंग, दत्तू रोविंग, विनेश फोगा सॉरी ये विनेश फोगाट नहीं है, ये विनेश को दिया गया बास्केटबॉल में, लोवानिया को बॉक्सिंग में, दूती चंद को एथलेटिक्स में, ये काफी फेमस नाम है याद रखिए आपको, सौरभ चौधरी को यह दिया गया शूटिंग में, संदीप चौधरी को एथलेटिक्स में। अच्छा और भी नाम है इनके, संदीप चौधरी एथलेटिक्स,
अतानु दास आर्चरी, दीपक कबड्डी, सूर्यांश को स्विमिंग में, संदेश को फुटबॉल में, दिव्या को रेसलिंग में, मनीष को बॉक्सिंग में दिया गया। ऐसे ये सारे नाम जो है वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है जिसको कि बहुत ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ, ठीक है। चलिए बेहतरीन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फिर इसके बारे में। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द मनी दैट इज गिवन टू द विनर ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। ये भी फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, बट दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी वन, सो यू नीड टू फोकस दैट गेट टू नो दैट ट्रिक, ओके। द अवार्ड बेसिकली गिवन दैट इज 10 लाख एंड 15 लाख। वट हाउ इज लुकिंग लाइक दिस, 10 लाख एंड 15 लाख लाइक दैट। देर आर टू कैटेगरीज फॉर द द्रोणाचार्य अवार्ड इन विच दिस अवार्ड प्रोवाइडेड। फर्स्ट कैटेगरी इज रेगुलर एंड सेकेंड कैटेगरी इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख दिए जाते हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में 15 लाख दिए जाते हैं, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें से पहले कितने दिए जाते थे, बाद में कितने दिए जाते हैं, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, आप इनको समझ लीजिए और याद कर लीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड द प्रीवियस प्राइस वाज 7.5 लाख, इट वाज एक्सटेंडेड अप टू 25 लाख। पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, लेकिन रिस्ट्रक्चर्ड प्राइस जो है अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड पहले लाइफ टाइम कैटेगरी में 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उसको बढ़ा के 15 लाख कर दिया। अर्जुन अवार्ड में पहले 5 लाख मिलते थे, अब 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ध्यानचंद अवार्ड के लिए पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब जो है 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी रिसेंट में ये किस किस को मिला है, तो 2020 में धर्मेंद्र तिवारी को आर्चरी के कोच ने, पुरुषोत्तम एथलेटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग, रोमेश पठानिया हॉकी, कृष्णन कुमार कबड्डी, इनको हांडा के भी नाम से काफी जाना जाता है, विजय को ये पावर लिफ्टिंग में मिला है, नरेश कुमार को टेनिस में, और ओम प्रकाश भैया जो काफी रेसलिंग के फेमस कोच हैं उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द मनी इज गिवन टू द अर्जुन अवार्ड विनर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अर्जुन अवार्ड का जो विनर होता है उसको कितने 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अगेंस्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जब हम पहले ही वाला जो पार्ट कर रहे थे इसका, जब हमने 1 to 10 क्वेश्चन किए थे, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन करके पूरा लिखा हुआ था कि ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ पावर, अथॉरिटी ऑफ पावर को हम डिसेंट्रलाइज करते हैं वहां से। जैसे कि एक गवर्निंग बॉडी है, डायरेक्टर ने कुछ पावर जो है प्रिंसिपल को दी, और प्रिंसिपल ने कुछ पावर टीचर्स को दी, और टीचर्स ने वो पावर कुछ बच्चों या फिर फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करी, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहलाता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन, ये ऑफकोर्स प्रॉपर कम्युनिकेशन भी इसका एक प्रिंसिपल है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन आप हम अपनी बातों का जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ट्रांसफर द आइडियाज एंड एज वेल एज द स्ट्रेटेजिक प्लान एज वेल। अच्छा, डिलिनेशन ऑफ पावर, हाँ डिलिनेशन भी पावर है, ये भी एक अपना प्रिंसिपल है उसका। ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी, इसमें ये जो है इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो प्रिंसिपल की कोई बात है वो जो है टीचर उसको ओवरराइड करें, या फिर जो डायरेक्टर की बात है उसको प्रिंसिपल ओवरराइड करें, ठीक है। तो ये जो है जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है या डिलिनेशन ऑफ पावर है, ये हायर टू लोअर, मतलब हायरार्की लेवल एक कायम करती है, जिससे कि आराम से सुचारू रूप से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी आंसर। अच्छा, इसके प्रिंसिपल्स एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में कई एक बार ये आते रहते हैं, ठीक है। तो 4 की प्रिंसिपल्स हैं, क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिलिनेशन ऑफ अथॉरिटी, स्केलर प्रिंसिपल्स एंड यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा, इनको जो है 4 अदर प्रिंसिपल्स हैं, उनको थोड़ा सा फॉर्मेटिव मैनर में आप देख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ डिलिनेशन और डेलीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन प्रिंसिपल्स को भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फंड फॉर द स्पोर्ट्स पर्संस वाज सेट अप इन टू द मार्च 1982, इट वाज गिवन टू द असिस्टिंग आउटस्टैंडिंग पर्संस फॉर स्टडी
living indigent circumstances who had brought the glory to the country in the sports. अच्छा इसको देखते हैं, ये जो है वो ये कौन सा फंड है जो स्पोर्ट पर्सन को ईस्टर ईयर्स में लिविंग और इंडिजेंट जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें हेल्प करता है टू एनहेंस द ग्लोरी ऑफ कंट्री इन द स्पोर्ट्स. तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसका बी आंसर सही है, नहीं नहीं इसमें ये गलत लिख गया है, इसका बी आंसर सही नहीं है. इसमें रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ठीक है, इसको हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, पहले ही एक्सप्लेन किया था. पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर, ये भी नहीं है इसमें. इसमें नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड जो है वो इसका सही आंसर है. तो आप इसका आंसर करेक्ट कर देते. द स्कीम फॉर द रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम लॉन्च इन 1970 to 71 इज ड्यू टू द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाज टैपिंग टू द हार्ट टैलेंट अवेलेबल इन टू द रूरल एरियाज वाज बीइंग ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, अच्छा थोड़े से और फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं. नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड NSDF वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1998 अंडर द चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890. अच्छा इस एंडोमेंट एक्ट 1890 को आप याद रखिए क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है. इट वाज नोटिफाइड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1998 नवंबर में इसको नोटिफाइड किया गया था. और नेशनल सर्विस वॉलंटरी स्कीम, अच्छा इसको भी आप याद रखिए, ये 24 नवंबर 1969 को ये शुरुआत हुई थी इसकी और अब तक इसको लगभग 51 ईयर्स हो गए. ठीक है, NSBSC जो है ये 24th of September 1961 में इसकी 69 में इसकी शुरुआत हुई थी. ठीक है, इसको पहले भी हमने लिख चुके हैं, अभी इसको देखते हैं. इसका क्या मतलब मेन उद्देश्य ये था कि फिजिकल एजुकेशन था और या स्पोर्ट्स साइंस थी, सॉरी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस के अंडर जो NSS का प्रोग्राम था वो 4 to 5 year प्लान को स्टिपल किया गया. ठीक है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को 37 यूनिवर्सिटी जो थी वो टोटल एंटायर स्टेट्स की उनमें इसको लागू किया गया था. फिर दोबारा से क्या किया गया, इसको रिस्ट्रक्चर करके द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू ऑल द स्टेट्स यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री एंड आल्सो प्लस टू लेवल इंस्टीट्यूट इन मैनी स्टेट. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं. ब्लू प्रिंट ऑफ कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड, अब ये तो बिल्कुल ओपन एंड सर्च क्वेश्चन है कि जो ब्लूप्रिंट होता है वो क्या होती है, हमारी स्ट्रेटजी होती है. टेक्निक हो नहीं सकती क्योंकि टेक्निक क्या होती है, टेक्निक जस्ट अगर हम कोई भी स्किल अगर है हमें तो उस स्किल को कितना परफेक्शन के साथ लेस एफर्ट में एग्जीक्यूट किया जाए उसको बोलते हैं टेक्निक. ठीक है, टैक्टिक्स क्या होती है, टैक्टिक्स बेसिकली ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपने स्ट्रेटजी पहले से बनाई हुई है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा. एक आइडियल सिचुएशन में हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमने पर्टिकुलर डोमेन बनाया हुआ, अगर उसमें कोई ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से हमारी जो जिस एनवायरनमेंट को कंसीडर करके हमने वो प्लान बनाया था वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो इंस्टेंटेनियसली कोई भी प्लान बना के और उसको टेक्निक को स्किल को उसी तरह से एग्जीक्यूट कर देना, ये कहलाता है टैक्टिक्स. ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा. गुड, अब ये 30 और लास्ट क्वेश्चन इसका होगा ये. ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज, तो ये भी पहले हम लोग कर चुके हैं इसकी कि प्लानिंग के सारे जो जितने भी प्रोसेस थे उसके जितने भी प्रिंसिपल्स थे उनको मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ था. आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ग्रुप, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना गोल निर्धारित करते हैं. डिटर्मिनेशन गोल इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद ही हम जो भी प्लानिंग होगी, टारगेट ग्रुप होगा, मोबिलाइजेशन ऑफ सोर्सेस होगा और प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी. तो फैसिलिटी, सोर्सेस, आइडेंटिफिकेशन, टारगेट ग्रुप हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक पर्टिकुलर टारगेट का गोल हो, एक टारगेटेड गोल हो. ठीक है, जब तक डिफाइंड गोल नहीं होगा, सिक्योर्ड गोल नहीं होगा, तब तक हम कोई भी दूसरा स्टेप नहीं ले सकते हैं. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा. ठीक, तो ये आज की क्लास में इतना ही. ठीक है, अब जो हम अगली क्लास में मिलते हैं. ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्ते.